आज शाम फिर तीन आतंकी हमलों ने मुंबई को दहला दिया। शाम 6 से 7 के बीच हुए तीन धमाकों ने मुंबई के तेज जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी भी मुंबई में कुछ बम छुपे होने की आशंका है, इसलिए मुंबई पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। देखते हैं अपनी स्पिरिट के लिए जाने जाने वाली मुंबई क्या कल वापस अपने पैरों पर खड़े हो पाएगी। देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। बीट क्रमांक सहा। कदम हवालदार रिपोर्ट वरती आहे साहेब। कदम हवालदार, बीट क्रमांक 14 साहेब पेट्रोलिंगला निघाले। बीट क्रमांक 2 सावंत रिपोर्ट करा। हा कंट्रोल रूम, येतोय बीट नंबर 2 ला। ओवर। ए रुक, किधर घूम रहा है? क्या है इसमें? दूध तू दे साहब। साले यहाँ बम फट रहे और रात को 12 बजे तू दूध बेचने निकला है? साहब चाय बेचते हैं हम। चाय के दूध? चाय काफी। साले जबान मत चला, खोल इसको, खोल। खोलता हूँ साहब। सब सब गिर जाएगा साहब, नुकसान हो जाएगा साहब। सब चल तिगड़े बरा, चल चल। इसमें क्या है रे? कुछ नहीं साहब, सामान है। चल ठीक है। चाय बना। यहाँ पूरा मुंबई शहर हाई अलर्ट पे है और तू चाय बेचने निकला है, कौन मिलेगा रे तेरे को? आप मिले ना सरकार, ऐसा ही कौन मिला ही जाएगा। मजबूरी में तो लोग निकल भी करते हैं। हाँ तेरे ऐसे चूतिए निकलते हैं और मुंबई स्पिरिट के नाम से चिल्लाते हैं। अने आमचा डोक्याला ताप। अरे सरकार, आप कौनो ही स्पिरिट विरिट का बात कर रहे हो, वो तो हमका ना बुझा रहा। हमरा तो एक ही को हिसाब किताब है, आज राती के कमाएंगे नहीं तो काले खाएंगे क्या सरकार? रहने दीजिए सरकार। अरे रख, 5 रुपए कमाने के चक्कर में बमलस में मर गया तो? हाई अलर्ट का मतलब पता है तेरे को? आज यहाँ कोई भी रोड फट सकता है। भूखो मरो या बम से मरो, एक को ही बात है। और वैसे भी भूखो मरने का तो कोई मुआवजा भी नहीं मिलता। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का।